यहाँ पर पानी है तो इसीलिए शांत हो भी सकता है। ये देखिए कि एक बार स्वागत है। तो हम एक सांप लेकर आ चुके हैं जिसको इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा कहते हैं, तो हम इसको निकालेंगे, उसके बाद जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो नज़रें जमाए रखें, ये किस तरह से बहुत ही गुस्सेला सांप है, तो ये किस तरह से आएगा आप तमाम को देखने का मौका मिलेगा। ये देखिए इसका गुस्सा जो है, यहाँ पर पानी है तो इसीलिए शांत हो भी सकता है। ये देखिए किस तरह से जंप करके काट रहा है आगे। तो हम इसे धुरिया बना कर रखेंगे क्योंकि जंप करके काट रहा है, तो ऐसे सांप पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। ये वीडियो देखकर आप भी सीख लें कि सांपों से कितना दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी एक बार धोखा हो चुका है। तो इसी तरह से हम तो सांप को सही तरह से पकड़ कर जंगल में छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो काफ़ी बारिश है यहाँ पर, तो इसीलिए हम जंगल में वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो अभी तो थोड़ा बारिश कम था, इसीलिए हमने आकर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि सांप कल रात में रेस्क्यू किया था। ये देखिए किस तरह से इसका गुस्सा दिखा रहा है। तो सांप को जानना जो है वो है ये बड़ा, जैसे हम इसको बैठेंगे तो ये अपना ग्रिप बनाकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसको ज़्यादा नहीं छेड़ते हुए इसके पर्यावरण में जाने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा खेलना या कोई कुछ करना तो हमारे साथ वो नुकसानदेह भी हो सकता है। तो हमारे वीडियो को, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सांपों से जुड़ा हर जानकारी आप तमाम लोगों तक पहुँचता रहे। तो कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आपको हमें जानने का मौका मिलेगा। तो हमें इसी तरह प्यार देते रहें। हमारे फैमिली के मेंबर से मैं कहूँगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सांपों से जुड़ा जानकारी आप तमाम तक मिलता रहेगा। तो हम इसे पकड़ने का प्रयास तो नहीं करेंगे, क्योंकि किस से काटने का देख करके हमें मालूम हो रहा है कि किस तरह से काट रहा है बोल के। जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक ये अपना फन फैला कर इसी तरह चेहरा रहेगा। तो ये सांपों के अंदर जो नीचे से जो घिरियाँ होती हैं, तो उसे लोग ये समझते हैं कि जितने वो कितने घिरियाँ होते हैं तो उतनी वक्त तक ही इंसान जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। तो कोई हमसे सवाल पूछाता है इनके लिए जवाब दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होता। सांप काट लेने के बाद आपको आधा से एक घंटा तक टाइम होता है, क्योंकि आधा से एक घंटा टाइम मिलेगा जब तक आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो टाइम आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि सांप से ही डर इंसान को है, तो डरने के कारण इंसान को हार्ट अटैक हो जाएगा, इसीलिए जान भी जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कुदरती इनके जो छाती होती है, ये फन के नीचे जो कलर होता है, तो कुदरत ने ये इसे दिया है। तो हम इसको ज़्यादा ना छेड़ते हुए यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बारिश भी कम है, हमें पहुँचने में आसानी होगी। तो इसी तरह जय हिंद दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। इस लकड़ी ये हमें पकड़ने नहीं दे रहा है, जैसे हम इसको अपने आप से दूर करेंगे तो वैसे ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए।